दोस्तों, GSTR 3B से जुड़ी एक नई एडवाइजरी इशू की गई है IT रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A। जो हमारा रूल 37A है वो कहता है कि टैक्स पेयर को अपना ITC रिवर्स करना पड़ेगा अवेल्ड ऑन सच इनवॉइस और डेबिट नोट। उस इनवॉइस और डेबिट नोट का ITC आपको रिवर्स करना है, डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश, यानी कि जिस इनवॉइस और डेबिट नोट की डिटेल आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 और IFF में तो फर्निश कर दी, लेकिन वो अपनी 3B में आपका वो इनवॉइस और डेबिट नोट डालना भूल गया, ठीक है। टिल द डे 30th डे ऑफ सेप्टेम्बर, यानी कि 30 सितंबर तक। कौन सा 30 सितंबर? जो कि आ रहा है फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट हैज़ बीन अवेल्ड। फॉर एग्जाम्पल कि GSTR 1 और IFF आपके सप्लायर ने फाइल कर दी थी, तो 2B के बेसिस पर आपने वो ITC ले लिया, ठीक है। अब वो ITC जिस भी साल का आपने लिया उससे नेक्स्ट ईयर तक, यानी उसके नेक्स्ट ईयर में आने वाले सितंबर, यानी कि 22-23 के लिए अगर आपने चेक करना है तो 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है। वो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है उसके बाद वो 30 सितंबर महीना आ रहा है, उसकी 30 तारीख तक आपको चेक करना है कि जो ITC आपने ले लिया है जिस मंथ का, क्या उस मंथ की 3B आपके सप्लायर ने फाइल कर दी है या नहीं। अगर नहीं करी है तो ऐसे केस में आपको अपना ITC रिवर्स करना है। द अमाउंट ऑफ ITC रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय सच टैक्स पेयर, तो जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे ऑन और बिफोर 30th नवंबर तक, तो आपको एज फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर एज अ पार्ट ऑफ दिस लीगल ऑब्लिगेशन आपको अपनी 3B में उस ITC को रिवर्स कर देना है 30 नवंबर तक। To facilitate the taxpayer, such amount of ITC required to be reverse on account of 37A for financial year 22-23 के लिए आपको ये करना है, has been computed from the system and communicated to the concerned recipient. तो अभी टैक्सपेयर को फैसिलिटी देने के लिए ये जो ITC रिवर्सल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंप्यूट कर लिया गया है सिस्टम पर और कम्युनिकेट भी कर दिया गया है रिसिपिएंट को। ईमेल कम्युनिकेशन हैव बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID ऑफ द टैक्सपेयर पर ईमेल भी भेज दिया गया है। टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड कि वो इसका एक नोट ले कि आपको ईमेल आई है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का और इंश्योर करें कि सच ITC अगर आपने अवेल किया है तो 37A के अकॉर्डिंग आप उसे अपनी 30 नवंबर तक फाइल होने वाली 3B की टेबल 4B2 में रिवर्स कर दें, ठीक है। तो ये ईमेल जो है वो आपको कम्युनिकेशन की भेज दी गई होगी इन केस अगर आपके साथ ऐसा केस है तो आपको अपना ITC रिवर्स करना है, और बाद में जब आपका सप्लायर 3B फाइल कर देगा तो आप ये ITC रीअवेल भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसे शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी इसे मिस ना करें।